Hello everyone, good morning guys, good morning, happy morning, how are you all, how are you all guys? Okay, so, 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 here we go. Let me just check whether I'm live and yes. Okay, great, great, great. Yes, I am live, I am live. And yes, everyone, how was the quiz yesterday? हाउ was द quiz yesterday? डे ओके कौन कौन आ चुका है हमारी इस कक्षा में Yes, everyone. वन oh, ओके oh, Great. ग्रेट मस्त था अच्छा था ओके आई एम ग्रेट आई एम ग्रेट जेठा लाल जेठा लाल जेठा लाल देर वॉज देर वॉज गाइज कुछ काम था यार इसीलिए इसीलिए लेट हो गया ठीक है कोई बात नहीं हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे जल्द ही शुरू करेंगे विद द अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज एंड येस गाइज वी आर गोइंग टू बिगेन वेरी 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 सुन राइट जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड ठीक है एंड येस एवरी वन लेट मी टेल यू दैट वी हैव ऑल्सो 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 हैव अ वेरी ब्रांड न्यू चैनल हैव अ वेरी ब्रांड न्यू चैनल एंड येस बचा लोक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है कॉमर्स बडीज एंड येस हमारे फेवरेट हमारे फेवरेट का चैनल है वो राइट निशांत सर अंशुल सर ऑल अबाउट कॉमर्स एंड येस गाइज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब इट

तुम लोग जब यहाँ पर जाओगे तो तुम लोगों को अखिलेश डागा पे जब तुम क्लिक करोगे क्लिक राइट एंड गाइस यू कैन फॉलो मी ओवर योर ऑन दी अन क्योंकि बहुत सारे फ्री लेसन बहुत ही अमेजिंग सेशंस भी होते रहते हैं यहाँ पर कल ही तुम लोग देख लेना अगर ये तुमने मिस किया होगा मेगा क्विज वन बिजनेस इकोनॉमिक्स का तो यू कैन गो मेगा क्विज बीसीके के ऑलरेडी तीन ले चुका हूं मैं सो so, यस yes, इट इज एब्सोल्यूटली एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू ओवर एंड 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 जी हां मैं बात कर रहा हूं इसी की मैं बात कर रहा हूं इसी की दैट इज लक्ष्य मे ट्वेंटी फाउंडेशन विच इज गेटिंग स्टार्टेड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर विच इज गेटिंग स्टार्टेड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर ठीक है ओके और एक कोट आया है हमारा और एक कोट आया है हम लोग उसको भी लेके लेकिन देखना किस्मत ने मेरे साथ खेल ऐसा खेला किस्मत ने मेरे साथ खेल ऐसा खेला है हर वो खुशी को दुख ने जैसे घेरा है उठकर उस पिता ने कहा वक्त अभी भी है तेरा हार हार कर भी हार ना मानने वाले का ऐसा बहादुर बेटा है मेरा वाह 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 ऐसा बहादुर बेटा है मेरा दैट्स सो ग्रेट सो ग्रेट अमेजिंग ओम केस अमेजिंग येस वेरी गुड सो गाइज यू हैव अ वेरी गुड न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी दिस बैच इट इज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर एंड बचालो उसी के साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट बैचेस भी होती है तुम सारे बैचेस भी देख सकते हो तुम्हारे पास ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ठीक है वन स्टॉप सोल्यूशन वेर यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ इंडिया एंड गाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे सामने डिटेल्स ये है फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन सो यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू लर्न फाउंडेशन यू कैन ऑल्सो एक्सेस द इंटरमीडिएट के क्लासेस भी ठीक है और यहां पर देख सकते हो अगर तुम इंटरमीडिएट भी करना है जो मेरे हिसाब से करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी 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 रीजनेबल राइट अगर तुम नॉर्मली बाहर सेपरेट सेपरेट लगाओगे फाउंडेशन के लिए क्लासेस और इंटरमीडिएट के क्लासेस तो तुम्हें मिनिमम से मिनिमम से नीचे तो कुछ नहीं मिलेगा वन लाख फिफ्टी जाएगा इनफैक्ट राइट right? तो यहां पर ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कितने में हो रहा है नाइन एटीन ओनली ट्वेंटी मंथ्स मंथस दो साल जिसमें तुम्हारा फाउंडेशन फाउंडेशन की रिविजन फाउंडेशन की रिविजन के बाद फाउंडेशन की टेस्ट

वेरी रीजनेबल प्राइस एंड ऑल्सो दर इज वन मोर बैच विच इज गोइंग ऑन बताओ तुम्हें कौन सी बैच है यस yes, हमारी क्वेज की बैच भी है जहां पर मैं तुम्हें रोजाना क्विज लेने वाला हूं अल्टरनेट डे पे और जिस दिन मेरा नहीं है उस दिन निशान सर का क्विज होगा सो so, ऐसा ये हमारा क्विज का सिलसिला भी चलते रहेगा जिसमें तुम अपने आप को समझ पाओगे कि क्या है मेरी गलतियां कौन सी है मेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन सी है मेरी वीक एरियाज और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है आस योर फ्रेंड्स इट सेल्फ आस योर प्लस स्टूडेंट्स इट सेल्फ एंड येस डेफिनेटली अभी भी अभी भी तीन क्विजेस बचे हैं तीन क्विजेस बचे हैं अक्टूबर के मंथ में था नवंबर के मंथ में है एंड गाइज वी हैव वी आर ऑल रेडी टू सेट ऑल रेडी and we are all set for the exam now let's begin with the last 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 part of चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स का लास्ट पार्ट अदर बिजनेस विथ विंस वी हैव कंप्लीटेड विथ बैंकिंग और आज हम करेंगे अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत ही आसान है ठीक है एवरी वन ओके शिवम गोंद ने भी कुछ लिखा है क्या एक मिनट एक मिनट एक मिनट शिवम कहां पर है तुम्हारा कोट पढ़ेंगे हम लोग डोन्ट वरी कहां पर है तुम्हारा कोट ही नहीं दिख रहा यार चलो गिरिजा का कोट दिखा मुझे लाइफ इज मच इजियर वेन यू स्टार्ट रिमूविंग निगेटिव पीपल फ्रॉम लाइफ सो सिंपल राइट इट्स सो सिंपल राइट दैट सो ग्रेट एक्चुअली एंड स्पेसिफिकली एग्जाम के टाइम में ना ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना है कोई भी हालत में ठीक है कोई भी हालत में ओके okay. शिवम तुम फिर से डाल दो यार तुम्हारा कोट नहीं दिख रहा है कविता ने कुछ लिखा है कविता पढ़िया ने जब तक मन में लालच स्वार्थ ईर्षा नफरत पहले रहेंगे शांति कभी नहीं मिलेगी जब ये बात हम सभी जानने जानते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं वाओ दैट इज सो अमेजिंग वी नो दैट बट वी डोंट इंप्लीमेंट दैट वाओ दैट इज ग्रेट दर इज ओनली वन वे टू हैप्पीनेस एंड दैट इज

ये कोई पल भर की पहचान नहीं है दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का दैट सो ट्रू यस फिर से भेजो ना लव फ्रॉम आसाम प्रतीक प्रतिक आर यू न्यू ओवर ओके सब मस्त कोट लिखते हैं सब कोर्ट मास्टर है बिल्कुल सही कहा सब के सब कोर्ट मास्टर है एकदम औसम ओसम कोट के साथ हमारी दिन की शुरुआत हुई है सो चलिए बचा लोग क्या हम लोग शुरू करेंगे अभी के अभी सर मैराथन भी आएगा क्या जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हम लोग करेंगे सो डोंट वरी एग्जाम के एक दिन पहले तुम मेरे साथ होगे और जहां पे मैं तुम्हारा पूरा की पूरा टेंशन खत्म कर दूंगा जिस दिन तुम पेपर से आओगे उस दिन से मैं शुरू करूंगा वो मैराथन जो रात तक चलेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग इतने फास्ट कंटिन्यूसली विदाउट एनी स्टॉप आई एम गोइंग टू हैव अ मैराथन जहां पे तुम लोग रेडी रहना तुम्हारे मैथ्स के पेपर के आने के बाद उसी शाम में तुम्हारा क्लास लेने ले वाला हो बच्चों और वो होगा ब्रीद लेस स्टॉप लेस एकदम फास्ट बैक टू बैक बहुत सारे चैप्टर्स करेंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस को मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दूंगा एंड डोंट वरी मैं हूं ना तुम बोल देना सारे उन लोगों को कि जो भी यहां पर डरते हो इस एग्जाम से जो सोच रहे कि एग्जाम नहीं देंगे नो 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 वी आर देर विथ यू एंड एक दिन पहले एग्जाम के हम लोग वो लेंगे मैराथन गेटिंग यस एंड देन यू सी द डिफरेंस द कॉन्फिडेंस एंड डेफिनेटली गाइज बहुत कुछ कवर करेंगे बहुत कुछ है तुम्हारे लिए बस बचा लोग जुड़े रहना तुम्हें सब कुछ नोटिफिकेशन आते रहेंगे समझता रहेगा एंड यस ओके ओके ग्रेट 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 सो 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 क्या मैं शुरू कर सकता हूं यस yes, चिल्लर बना देंगे आईसीआई को टोपी पहना देंगे बिल्कुल सही कहा है बिल्कुल सही कहा है तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक की दैट इज अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज एंड दिस इज वेरी सिंपल दिस इज वेरी चिल्लर देखते हैं एक्विजिशन मंजे वॉट एक्विजिशन

इसने बी को एक्वायर किया है अब यही सब कुछ देखता है ऑपरेशंस ऑफ ए एज वेल एज ऑपरेशंस ऑफ बी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसको एक्विजिशन बोलेंगे इसको एक्विजिशन बोलेंगे कोई नई कंपनी के बारे में बात किए यहां पर नहीं व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अनादर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑल द बिजनेस ऑपरेशन इज नोन एज एक्विजिशन एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वन फाइनेंशियली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर्स द वीकर वन ओवर पावर्स द वीकर वन ठीक है अरे बोलो ना शिवम तुमने भेजा है क्या कोर्ट फिर से तुमने भेजा किधर कोर्ट ही नहीं भेजा तुमने मैंने बोला ना फिर से भेजो सब जब तक आप हमारे साथ हो तो कोई एग्जाम में हमें हरा नहीं सकता बिल्कुल सही कहा अरे आया ही नहीं तुम्हारा कोट भाई <laughs> आज आपने मेरा कोट मेरा जेटा वाला हाल कर दिया ओके <laughs> okay यार अभी क्या करूं मैंने कोट ही नहीं आया तो हाउ कैन आई से दैट ओके ओके शरद कुमार यादव मैं मेरा नंबर शेयर नहीं कर सकता हूं सॉरी 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 फॉर दैट यस ओके ओके, बैंक व्हाट बैंक इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी वेर इन द पर्सन्स असेट्स आर लिक्विडेटेड टू पे ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज हेल्प ऑफ द हेल्प ऑफ द बैंक ट्रस्टी और अ कोर्ट ऑफ लॉ मतलब जो अभी पैसे नहीं भर सकता है आगे तो वो कंपनी बंद होने वाली है उसके असेट्स हम लोग बेचेंगे और सारे क्रेडिटर्स को जिसको भी पे करना है उसको हम पे करते रहेंगे, हमारी अब क्या करूं उसी तरीके के तो यहां पर ए, उसी तरीके के यहां पर क्या है डेफिनेशन है जहां पर माल्या जी का बार बार मुझे नाम लेना पड़ रहा है तो जब भी जी अभी इंसॉल्वेंट हो गए तो माल्या जी की पूरी पर्सनल प्रॉपर्टीज, उनके उनके कंपनी के असेट्स को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा और जिसको भी जो भी पैसा देना है उसको दिया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग बैंक सो इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी वेर इन दर्सन एसेट्स आर लिक्विडेटेड टू पे वॉट अरे पैसा देना बाकी है ना हमारे क्रेडिटर्स को या फिर बैंक्स को करेक्ट ना सो अगर हम लोग इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे हमारे असेट्स को सेल कर कर उसको हम लोग कहेंगे बैंक अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैं थ्री स्टार करता हूं और ये जो है ये आईसीए फेवरेट टाइप के क्वेश्चन है बॉटम लाइन अप्रोच बॉटम लाइन क्या बोलते हैं बॉटम लाइन सो बहुत जगह पर आईसीआई टू अकी भैया आईसीआई टू अकी भैया बिकी बोल रहे हैं क्या यार तुमने बच्चों को क्या खिलाकर भेजा है हमारा मशीन हो गया है इतने मार्क्स देखकर यस करेक्ट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट हंड्रेड रीजन टू क्विट लुक एट द थाउजेंड रीजन टू नॉट गिव अप एकदम सही का है शेवा एकदम एकदम सही और तुम वो याद रखना वो याद रखना कि वाई डिड यू स्टार्टेड यू नेवर एवर स्टार्टेड टू क्वेट देखो शिवम मैंने तुम्हारा कोट पढ़ लिया ठीक है पहले दिख ही नहीं रहा था कोट तुम्हारा चलो ये बॉटम लाइन जो है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही कहा है गिरिजा खन्ना ने बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट्स हम लोग कहते हैं हमारे फाइनेंस की भाषा में कि रिलायंस के बॉटम लाइन बहुत अच्छी थी बॉटम लाइन मतलब जब रिजल्ट्स आए तो उनका बॉटम लाइन बहुत अच्छा परफॉर्म किया मतलब उनके नेट प्रोफिट बहुत ज्यादा अच्छे थे तो मैं कहना चाहता हूं बॉटम लाइन व्हाट बॉटम लाइन इट इज अ नेट प्रॉफिट्स देखना यहां पर मैं बढ़ रहा हूं इन प्लेन इंग्लिश बॉटम लाइन मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ऑस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग इन बी सी के इट मे बी डिफाइंड एज द फॉर्म इनकम आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यूज तो इनकम माइनस एक्सपेंस मन बॉटम लाइन इनकम माइनस एक्सपेंसेस बॉटम लाइन एंड दिस एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट चार्ज इंटरेस्ट चार्जेस पेड ऑन लोन्स जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड इनकम टैक्स इन सिंपल वर्ड इट इज सेम थिंग एज नेट प्रॉफिट तो क्या तुम्हें समझ में आया है क्या तुम्हें समझ में आया है लेकिन इसके साथ ही हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं इसके साथ ही हम लोग हमेशा पढ़ते हैं वॉट डू यू मीन बाय ट्रिपल बॉटम लाइन एक होता है बॉटम लाइन और दूसरा होता है ट्रिपल बॉटम लाइन तो बॉटम लाइन तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी इमीडिएटली हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे और फिर से पीछे आकर पढ़ेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल बॉटम लाइन पीपल प्लानिट एंड प्रॉफिट बोलो एवरीवन मेरे साथ ट्रिपल बॉटम लाइन भंजे व्हाट पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट पीपल प्लैनेट प्रॉफिट ये देखो पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट आजकल के बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं चलते हैं आजकल के बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा तुम सोसाइटी को क्या दे रहे हो इस प्लेनेट को क्या दे रहे हो पीपल को क्या दे रहे हो वो भी इक्वली बहुत मायने रखता है तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के टर्म्स में आगे जाओगे तो शायद तुम्हारा उतना नाम नहीं होगा और शायद तुम लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं कर पाओगे तुम्हें एक वैल्यू क्रिएशन करना होगा तुम्हारे लोगों के लिए तुम्हारे सोसाइटी के लिए तो ही उसको हम लोग कहेंगे कि यस यू आर मेकिंग अ डिफरेंस डिफरेंस तो यहां पर पीपल प्लैनेट प्रॉफिट पीपल प्लेनेट प्रॉफिट आरे समझ में आए क्या बोलो इट इज दिजनेस एंड कमर्शियल फिलोसॉफी दैट प्रमोट बिलीफ एंड इवेल्यूएट्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट द केयर फॉर पीपल एंड द केयर फॉर प्लेनेट आर इक्वली इंपॉर्टेंट में कहता हूं ना मैं तुम्हें यहां पर एकेडमिक्स नहीं सिखाऊगा मैं तुम्हें यहां पर सिर्फ एकेडमिक्स नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हें यहां पर कुछ जिंदगी के एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं तुम्हें यहां पर स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा मैं तुम्हें यहां पर इन्वेस्टमेंट सिखाऊंगा मैं तुम्हें यहां पर मोटिवेशन दूंगा मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे लेकर जाऊंगा तुम्हें जिंदगी में जिंदगी में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो बताऊंगा सो इसीलिए आई कम अप विद द डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज आई नॉट जस्ट टेल यू आई ऑलवेज से यू दैट एकेडेमिक्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट एज ह्यूमन अन तुम कैसे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये आई एम केयरिंग फॉर यू पीपल आई जस्ट डोंट वॉन्ट दैट यू शुड स्कोर नाइंटी परसेंट नाइनटी मार्क्स नो 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 यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीन अपार्ट फ्रॉम अकेडेमिक्स लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल वो भी तो इंपॉर्टेंट है गेटिंग समझ में आ रहा है तो हम लोग उसी तरीके से कह रहे हैं हम लोग उसी तरीके से कह रहे हैं कि यहां पर ट्रिपल बॉटम लाइन में ओनली प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट द केयर फॉर पीपल इज इंपॉर्टेंट केयर फॉर प्लैनेट इज इंपॉर्टेंट राइट एवरी वन आर यू गेटिंग इट यस ओके ओके स्कैम करना सिखाऊंगा अरे यार मैं स्कैम करना नहीं सिखाता हूं मैं स्कैम को समझाता हूं ठीक है ओके okay. <laughs> ओके okay. कौन आए हैं डुप्लीकेट आए क्या आज आज बड़े दिन बाद हमारे डुप्लीकेट हमारी इस कक्षा में आए हैं पता रही है डुप्लीकेट बट यस एक बात याद रखना डुप्लीकेट जी क्या है वो बात कि हमारे इस कक्षा में कोई भी अनुशासन डिसिप्लिन का उल्लंघन नहीं होगा ठीक है ओके फाइन आगे बढ़ते हैं हम लोग एक सेकेंड इसके साथ साथ ना ये भी थ्री स्टार मार्क कर रहा हूं मैं ट्रिपल बॉटम लाइन को ट्रिपल स्टार कर रहा हूं ठीक है ध्यान देना एग्जाम से एक दिन पहले बॉटम लाइन और ट्रिपल बॉटम लाइन को याद रखना और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी याद रखना और इसके बाद हम लोग फिर से हमारे पीछे जाएंगे और वहां से शुरुआत करेंगे वॉट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब प्रॉफिट तो करते हो लेकिन इकोलॉजी का भी ध्यान देना चाहिए तो इक्वल बैलेंस करके चलना चाहिए एनवायरमेंट का ध्यान देना चाहिए उसको हम लोग कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ द डेवलपमेंट वाइडर ठीक है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री दैट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक पैरामीटर सच एज इनकम एंड नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर सच एज सोशल इक्विटी सोसाइटी वेलफेयर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस एनवायरमेंट इट एम्फर साइमल्टेनियस अटेंशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ तो तुम करो ही इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल इक्विटी एंड सोशल इक्विटी के साथ साथ हमारे इस संसार को एनवायरमेंट को भी देखना पड़ेगा तुम लोगों को कि हम लोग ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं या फिर क्या अच्छा एनवायरमेंट के लिए कर सकते हैं दिस इज आल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हें पता है आईटीसी क्या तुम्हें पता है आईटीसी आई टी सी इज द ग्रेनेस्ट चेन ऑफ हॉटल्स ग्रेनेस्ट चेन्स ऑफ होटल्स तो क्या है ये क्या है ये यस yes. वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो, है? वो कर रहे हैं एक एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम करेक्ट ना यस 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 बिल्कुल सही कहा अतुल मिश्रा जी सिगरेट वाली कंपनी राइट right? आशीर्वाद के आटा वाली कंपनी राइट क्लासमेट के बुक वाली कंपनी राइट यपी मैगी वाली कंपनी राइट ओके ओके तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं आई होप दैट तुम लोगों को समझ में आ गया वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई होप दैट तुम्हें समझ में आ गया वॉट इज ट्रिपल बॉटम लाइन आई होप दैट तुम्हें समझ में आ गया बॉटम लाइन तो ये है थ्री स्टार थ्री स्टार समझ में आया क्या बच्चों बोलिए ना एवरी वन ओवर यस अभी हम लोग देखेंगे अभी हम लोग देखेंगे बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट राइट ओके बाला राधिका क्या कह रहे हो बाला राधिका सर हाय सर आई वांट टू आस्क यू दैट वे शुड आई गेट द प्लेलिस्ट ऑफ फॉर बीसीके ऑफ अन डमी तुम लोग यहां पर देख सकते हो ना इसी चैनल पर तुम लोग पूरा की पूरा प्लेलिस्ट बना सकते हो ठीक है अदरवाइज वॉट यू कैन डू इज वॉट यू कैन डू इज यू कैन गो ऑन दी अकेडमी एप यू कैन फॉलो मी देर मेरे सारे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के एक के बाद एक राइट राइट पीछे जाओगे तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली दिखेंगे उसका नाम भी मैंने दिया हुआ है चैप्टर वाइज तुम वो एक्सेस कर सकते हो एंड तुम लोगों को आराम से तुम कर सकते हो और वो एक लिंक जो बनाया है ना उस पर लिंक में क्लिक करना डिस्क्रिप्शन में देखना स्पेशल क्लासेस के अपडेट हो रहे हैं यूट्यूब के सारे लेक्चर्स अपडेटेड है ठीक है ओके okay. समझ में आया एवरी वन ओके आगे बढ़ते हैं वॉट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरमेंट इट इज अ सेट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इंफ्लुएंसेज माई बिजनेस एक्सटर्नल फैक्टर जो मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अच्छा बुरा जो भी इन्फ्लुएंस होगा कभी शायद वो एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरी कंपनी के लिए अच्छे हो शायद वो एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरी कंपनी के लिए अच्छे नहीं हो सो इट इज अ सेट ऑफ ऑल द वेरिएबल एक्सटर्नल टू द फर्म बट इंफ्लुएंस इज डिसन मेकिंग डेफिनेटली गाइज डेफिनेटली इट इंफ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग एंड इन टर्न आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई इट यस तो देखते हैं आगे बिजनेस फैसिलिटेटर्स मतलब क्या फैसिलिटेटर्स मतलब हेल्प करने वाले मतलब इट इज नॉट द मेन एक्टिविटी बट वो कुछ एक्टिविटीज जो मेरे बिजनेस को हेल्प कर रही है ऑपरेशंस में मे बी सो दीज आर द इंडिविजुअल्स और द ऑर्गेनाइजेशंस और द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द अदर अरेंजमेंट दैट इज मतलब इजी कर रही है क्या ये आसान है जी हां ये हमारे बिजनेस को आसान कर रहे हैं दे आर इज द सेटिंग अप ऑफ द ऑपरेशन एंड एग्जिटिंग फ्रॉम द बिजनेस तो ये हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ये हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं आगे जाने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम लोग कहते हैं राइट right? यस yes. वो लिंक पर चले गए उस लिंक को क्लिक कर डाला तो लाइव झिंगा लाला राइट right? बिल्कुल सही कहा है शिवम गोंद ने राइट ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द आईज वेयर इन द आईज ऑफ द लॉ द बिजनेस एंटिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स अरे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस व्हाट सेपरेट लीगल एंटिटी आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेटली और हम लोग आर्टिफिशियल uh, हम लोग नेचुरल पर्सन सेपरेटली हम लोग चले गए लेकिन कंपनी नहीं जाएगी कंपनी इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इज द लीगल पर्सन कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन करेक्ट ना एवरी वन सो देखना यहां पर इट कैन ओन द असेट एंड ओ टू अदर्स एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन I am liable to pay to that company. That company is liable to pay something to me. समझ में आ रहा है दस द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ओनर्स कैन भी लिमिटेड टू द प्रीम प्रीडिमाइंड अमाउंट बट द कंपनी इज अइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और यह बहुत ही अच्छा होता है सेपरेट लीगल एंटीटी दिया गया है हमारी कंपनी को दैट इज अपोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली दैट इज सो गुड दैट इज सो 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 गुड गेटिंग एवरी वन यस yes, बराबर बर कहा है पुनिश्रॉन ने परपेचुअल सक्सेशन राइट परपेचुअल सक्सेशन क्योंकि अगर हम लोग भी चले गए लेकिन कंपनी एक डायरेक्टर गयो कंपनी चलते रहेंगे दूसरा डायरेक्टर गयो कंपनी चलती रहेगी तीसरा भी गयो कंपनी फिर भी चलते रहेगी क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ये लॉ में तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा ही होगा राइट right, एवरी ओके okay, इस बच्चा लोग देखते हैं अगला सवाल तुम्हारे सामने दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग बात कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम लोग बात कर रहे थे हमारे अच्छे रिपोर्टिंग सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम लोग बात कर रहे ई e फाइलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं पेपरलेस वर्क की हम लोग यहां पर एक गवर्नेंस को इंप्रूव कर रहे हैं वी आर ऑन द वे टू इंप्रूव द गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया और हम लोग बहुत ही अच्छे से अभी उसको परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं ऑडिट करने की हम लोग बात कर रहे हैं hey, टैक्सेस तुम टाइम पे भरो सो मैं क्या बात करो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कीजिए ऑल द लीगल थिंग्स राइट ऑल द लीगल थिंग्स ओके ऑल द न्यू पीपल ओवर हियर आई वेलकम यू ऑल ऑल टू इन दिस पर्टिकुलर पीपलमी हमारा ही सी फाउंडेशन चैनल पे तुम लोग डेफिनेटली बचा लोग इसको सब्सक्राइब कर लो तुम लोग डेफिनेटली रोज हमारे साथ जुड़ जाओ तुम्हें कभी फिर से कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबको यहां पर सब कुछ मिलेगा इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं आज अभी के अभी इसी वक्त क्योंकि हमारे साथ यहां पर जो आधे लोग जुड़े हैं वो पिछले जून से जुड़े हैं जून से जून जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिस इज नवंबर विच इज अबाउट टू एंड सिक्स मंथ सिक्स मंथ्स, राइट एंड टली डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल द न्यू पीपल ओवर ये एंजॉय द लेक्स यू विल ग्रो इन यूर एकेडमिक्स लर्न न्यू थिंग्स एंड सच बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज यूट्यूबर से दैट सब्सक्राइब टू दिस चैनल नहीं उस लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं सच में बोल रहा हूँ ठीक है ओके ओके ठीक है सर मैं आपको बाजू वाले हॉस्पिटल से बॉन होकर निकला हूं आपके बाजू वाले हॉस्पिटल से ओके <laughs> okay. अभी सब न्यू हो जाएंगे राइट यस आई वॉज ऑल्सो न्यू पर मेरा वेलकम नहीं किया किसी ने आज मैं तुम्हारा वेलकम करता हूं पुनिषर ऑन वेलकम टू दिसन अकेडमी फाउंडेशन आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई टीम मेंबर्स राइट 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 ओके okay, तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस मंजे वॉट अरे कॉर्पोरेट गवर्न देखो इट इज अस्टम ऑफ ओवरसिइंग द अफेयर ऑफ द कॉरपोरेशन मैंने बोला ना तुम लोगों को टैक्स टाइम पे भरो लीगल कंप्लायस करो इज ऑफ डूइंग तो ये सब क्या बोल रहे हैं ओवरसिंग द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन टू एंश्योर दैट दे आर कंडक्टेड इन द एथिकल मैनर एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड आई ऑलवेज 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 आई वेरी मच बिलीव इन दिस रतनजी टाटा इथिक्स बोला तो हमेशा मुझे एक ही नाम याद आता है द मैन ऑफ इथिक्स रतनजी टाटा राइट द मैकेनिज्म ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट टू ओवरसी हु अपॉइंट ओवरसी एंड रिवॉर्ड द मैनेजमेंट टीम इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड रिपोर्टिंग द परफॉर्मेंस टू द मार्केट दैट इज स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर्स मीडिया में जाता है पब्लिक जाता है वो सारे प्रॉफिट्स उनके राइट सो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एथिकल मैनर में होने चाहिए right? कॉर्पोरेट हम गवर्नेंस हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं क्या कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिस्टम को फॉलो करो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए चीजें आसान होनी चाहिए राइट ओके ग्रेट हाँ सर सही बोला मैं भी भटक कर भटक कर राह पर चल रही थी और मुझे मंजिल से पहले सच्चा रास्ता मिल गया जो है अनएकेडमी वाह कविता सो गुड टू सी यस आई एम सींग दैट सिंस लास्ट फ्यू डेज ओनली यू आर हियर लास्ट फ्यू डेज से ही तुम यहां पर हो एंड आई रिमेंबर शायद तुमने एक क्विज देखा था मेरा कुछ दिन पहले और उस क्विज के बाद तुम शायद रोज आ रहे हो यूट्यूब पर ऐसा कुछ मेरा ऐसा कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन था ऐसा कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन था राइट यस, ओके ओके सो चलिए बचा लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भे व्हाट? अरे आजकल तुम लोग जाते हो फ्लिपकार्ट तुम लोग जाते हो मतलब मैं भी जाता हूं एमेजॉन पर फ्लिपकार्ट एमेजॉन और लड़कियां कहां पर जाती है मिंत्रा करेक्ट ना मिंत्रा एमेजॉन और क्या 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 पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशन है राइट तो यहां पर जब तुम जाते हो इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी को यूज करते हो और वहां से तुम लोग परचेस करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाता है ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस हो गया ऑनलाइन ही ट्रैकिंग कर लेते हैं और हमें एंड टू एंड डिलीवरी मिल जाता है उस प्रोडक्ट का एंड हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं और तुम्हें पता है ट्वेंटी फोर सेवन भी अवेलेबल होती है यार दैट इज अमेजिंग दैट इज अमेजिंग तो ये बिजनेस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स राइट ओके यस समझ में आया है एवरीवन Are you getting आर यू गेटिंग इट आर यू गेटिंग इट सो येस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स It is a not next thing. It is इज next big thing. I would say that. ठीक है और हमारे जियो हमारे मुकेश भाई फुल ऑन रेडी है पूरा की पूरा टक्कर देने के लिए इन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी ही हैज स्टार्टेड द जियो मार्ट राइट डू यू रिमेंबर डू यू नो किसी ने ऑर्डर किया है जियो मार्ट से जियो मार्ट reliance is going to make a big change he is going to be a very 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 aggressive i guess right okay देखते हैं आगे देखते हैं आगे सर मेरे लिए कुछ बोलो क्या बोलूं मैं बिक्की चौधरी तुम्हारे लिए रुको तुम्हारे लिए ना हम लोग एक एग्जांपल देंगे ठीक है ओके okay. तो ग्लोबलाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मतलब क्या आज मैं मुझे इनकम टैक्स के ऑफिस में जाके कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है पहले तुम्हें पता था पहले तुम्हें पता था पहले जब भी मैं ये टैक्स रिटर्न को फाइल करता था तो मुझे 120 डेज के अंदर मुझे इस टैक्स रिटर्न की प्रिंट लेकर मुझे इसको प्रिंट लेकर मुझे बैंगलोर को कुरियर करना पड़ता था आईटी वालों को लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है अभी सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग करो एक ओटीपी आएगा ओटीपी को क्लिक करो तुम्हारा प्रोसेस में चले गया बैंगलोर बैंगलोर भेजने की कोई जरूरत नहीं है आजकल कितने सारे गवर्नमेंट के जो कंप्लाइंसेस जो पहले फिजिकल फॉर्म्स में होते थे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए हैं मैं कभी भी इनकम टैक्स के साइट पे जा सकता हूं और रिटर्न को क्लिक कर सकता हूं और डाउनलोड कर सकता हूं ऐसा सब कुछ तुम्हें अभी ऑनलाइन तुम सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन तुम फिर से वो ले सकते हो एंड गाइज वॉट इज दिस दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग

कितना आसान है यस yes. ओके okay. बिल्कुल सही कहा किशन पटेल ने दस रुपए की चीज भी वो डिलीवर करते हैं ना फ्री में रिलायंस रिलायंस जियो मार्ट ग्रेट ओके ओके तो देखते हैं बच्चा लोग देखते हैं समझ में आया क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग बहुत अच्छी चीज है एकदम अमेजिंग चीज हो गई है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन अरे व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मंजे हम लोगों ने रास्ते खोल दिए हैं सबके लिए कि तुम लोग इंपोर्ट करो तुम लोग एक्सपोर्ट करो कोई भी लिमिट नहीं है जो करना है वो करो हम लोग तुम्हें एमएनसी प्रोडक्ट के साथ बीट करेंगे हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे हम लोगों ने सारे बैरियर्स को हटा दिया है हम लोगों ने हाथ खोल दिए है सब लोगों के एंड इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैरियर्स ऑफ रिमूविंग द बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड कितना आसान है देखो यहां पर रिमूविंग द बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस एंड इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल सम पीपल आरक्यू दैट इट शुड इंक्लूड बैरियर फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर एज वेल एंड कलेक्टिवली एज दिस रिजल्ट इन द ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेक्ट ना तो तुम लोग कहां पर भी बेच सकते हो तुम्हारा प्रोडक्ट अभी तुम्हारे सामने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तुम्हारे हाथ खोल दिए गए हैं तुम लोग अभी चाहे तो कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो तुम अच्छी अच्छी मशीनरीज इंडिया में ला सकते हो इंडिया को इंप्रूव कर सकते हो यहां पर तुम बनाकर बाहर बेच भी सकते हो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डोंट ट्रबल द डोमेस्टिक ऑपरेशन मैन राइट जस्ट डोंट ट्रबल द डोमेस्टिक ऑपरेशन राइट एवरी ओके okay, सो so तुम्हें ये एमसीक्यू में आएगा क्या आएगा एमसीक्यू में इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी मंजे क्या होता है लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन तो जो मैं ये बोल रहा हूं ना सारी चीजें उसको ध्यान दो हा एमसी में ऐसी चीजें आती है और आएगी आती है और आएगी गुडविल मजे वॉट्स गुडविल इज द अकाउंटिंग डिफरेंस बिटवीन द कंपनी मुझे एक कंपनी को एक्वायर करना था मुझे नहीं चलो हम लोग लेते हैं बिकी का बिकी चौधरी तुम्हारा फ्रेंड बिकी को एक कंपनी को एक्वायर करना था और, और, और उसके साथ उसके साथ ये शिवम था शिवम शिवम की कंपनी को एक्वायर करना था उसको अब बिकी गया शिवम के पास और शिवम ने बोला कि मैं तुझे ये कंपनी कितने में दूंगा मैं तुम्हें यह कंपनी ओनली एंड ओनली फिफ्टी करोड़ में देने वाला हूं तो बिकी ने इस कंपनी का पूरा असेट्स देखा लाइबिलिटीज देखा और उसके बाद उसने बोला कि तेरे कंपनी में असेट्स तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ के हैं। और बिकी ने कहा मैं सिर्फ 25 करोड़ दूंगा शिवम ने कहा नहीं बिकी भाई मेरी कंपनी की वर्थ 50 करोड़ की है बिक्की ने कहा कैसे समझाओ मुझे बिकी ने कहा कैसे समझाओ मुझे तो शिवम ने बोला शिवम ने बोला कि बिकी भाई तुम बहुत रोज रोज हर्षद मेहता की स्टोरी डालते हो तो उस मेहता जी के स्कैम वाले उस वेब सीरीज में तुमने देखा नहीं वॉट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ माई कंपनी वॉट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ माई कंपनी मैंने ये कंपनी शुरू की थी कितने साल पहले चालीस साल पहले इयर्स मेरे कंपनी का मार्केट में नाम है शिवम ये जाकर पूछ लो कोलकाता में कहीं पे भी मेरा नाम है मेरा नाम है इस कंपनी को इतनी मेहनत से इसको किया है मेरे नाम पर ये कंपनी चलती है जब तुम इसको एक्वायर करोगे तो तुम्हें कस्टमर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ माय कंपनी तो बिक्की ने कहा अच्छा शिवम भाई मुझे याद आया मुझे याद आ गया यस yes. तो और मुझे वो भी याद आया कि अंशुल सर ने हमें पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट कौन सा अंशुल सर ने हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था गुडविल का हा? और तुम गुडविल की बात कर रहे हो शिवम तो शिवम ने कहा यस तो उसने हर्षद मेहता का वो एग्जाम्पल याद आया और फिर उसे अंशुल सर का एग्जाम्पल याद आया और फिर उसने कहा कि यस 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 मुझे कुछ समझ रहा है तो उसके नाम के लिए वो ज्यादा पैसे मांग रहा था ट्वेंटी फाइव तो उसके असेट थे ट्वेंटी फाइव का गुडविल था तो बिकी ने कहा चलो ठीक है डील पक्की करते हैं मैं तुम्हें पचास करोड़ दे दूंगा तुम्हारी कंपनी मेरे हवाले तुम्हारी कंपनी मेरे हवाले समझ में आया क्या लोग बोलिए यस समझ में आया सर आप लेजेंड हो हर्षद मेहता जी से रिलेट कर दिया यस समझ में आया बच्चा लोग यस ओके कल ही पढ़ाया था सर ने वाह देखो कल ही पढ़ाया था और आज मैंने तुम्हें डायरेक्टली डायरेक्टली बता दिया करेक्ट ना तो देखिए बच्चा लोग तुम्हारे ने यहां पर तुमने क्या देखा है तुमने यहां पर तुमने यहां पर देखा है गुडविल मंजे व्हाट गुडविल मंजे देखना इसका टेक्निकल डेफिनेशन अभी कितना आसान हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन वॉट द कंपनी पेस वेन इट बाइज द बुक वैल्यू ऑफ द रियल गुडविल ऑफ द कंपनी का रेपुटेशन द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स हम लोग परचेस करेंगे तो शिवम भाई के शॉप से परचेज करेगी और कुछ नहीं शिवम भाई शिवम भाई शिवम भाई, भाई सब लोग मार्केट में शिवम भाई का नाम ले रहे हैं ठीक है कंपनी का रेप्यूटेशन लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स शिवम भाई के लिए प्यार बच्चों का राइट right? तो यहां पर देखना यहां पर मैंने बात कर रहा हूं गुडविल की समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है बच्चा लोग यस आई होप दैट तुम्हें मजा आ रहा है और अगर बच्चा लोग तुम्हें मजा आ रहा है तो थोड़ा लाइक like वाइक -like भी कर दो यार थोड़ा लाइक वाइक भी कर दो आजकल मैं बोलता नहीं हूँ तो तुम करते नहीं हो मतलब मैंने क्या हमेशा बोलना चाहिए कितने दिन हो गए ना मैं बोलता ही नहीं हूं आजकल मुझे लगता है कि तुम लोग आसानी से ऐसे ही कर दोगे बिना बोले ठीक है ओके ओम्या ने बहुत एनएसपी किया है सर कल ओ माय गॉड ओम्या ओम्या ऐसे नहीं करना है तुम्हें ओके सो so, इंफ्रास्ट्रक्चर माने क्या अरे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक फैसिलिटी जैसे कि बिल्डिंग्स द रोड द पावर सप्लाइज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी और द एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल द फर्म्स इंटरप्राइज द फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंप्राइज ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफिस वेयर हाउसेस एंड एक्सेट्रा ठीक है यस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज वट डू यू मीन बाय ज्वाइंट प्रोडक्ट वट डू यू मीन बाय बाय प्रोडक्ट में एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं एक गुड्स की सपोज मैं स्टील को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक रॉ स्टील से एक अच्छा वाला स्टील बना रहा हूँ लेकिन वो अच्छा वाला स्टील जब बना रहा था उसके साथ और जो वेस्ट निकला जो वेस्ट था वो लो क्वालिटी का था लेकिन वो भी मार्केट में बिकता था और ये भी मार्केट में बिकता है तो एक

वो तो ऐसे ही प्रोसेस में निकल गया इसलिए हम लोग भेज रहे हैं शुगर इंडस्ट्री में भी जब तुम जाओगे तो शुगर इंडस्ट्री में वो कहते हैं ना कि जब उसको प्रोसेस करते हैं तो मराठी में एक वर्ड आता है उसके लिए कुछ कहते हैं मड़ी आई गेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलासिस करेक्ट ना वो मोलासिस भी यूज होते हैं वो मोलासिस भी यूज होते हैं तो कोई उसको यूज करता है एक शुगर के इंडस्ट्री में मेन प्रोडक्ट और एक होता है बाय प्रोडक्ट एक होता है बाय प्रोडक्ट समझ में आया तुम लोगों को एवरी वन एवरी वन यस बोलिए सर नीचे देखो बीच में मजाक कर रहा है कौन मजाक कर रहा है बोलो मजाक मत करो पर चलो ध्यान दो अभी ठीक है ओके चलो ठीक है चलिए 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 एवरी वन ओवर लेट्स 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 गो अहेड तो जॉइंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड बाय क्या ये तुम्हें समझ में आ गया है देखो बाय प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द मटेरियल डिस्कार्डेड इन द मेन प्रोसेस तो मेन प्रोसेस में जो डिस्कार्डेड मटेरियल निकलता है ना उसको भी हम लोग बेच सकते हैं ठीक है उसको भी हम लोग बेच सकते हैं दस बाय प्रोडक्ट इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द अनादर प्रोडक्ट अनादर प्रोडक्ट को बनाते बनाते ये बाय प्रोडक्ट निकला एंड आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्क्रैप और ऑफ मटेरियल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल मोलासिस दुगर इंडस्ट्री मुझे कोई बोलेगा मैं तुम लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं यह मोलासिस से क्या निकलता है मोलासिस किसके लिए यूज होता है शुगर किन इंडस्ट्री में कोई बताएगा मुझे तुम लोगों को पता होगा ना यार कितने लोगों को पता होगा ये मोलासिस किसके लिए यूज होता है बोलिए यस 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 ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ना तुम्हें पता होगा नहीं मालूम नहीं मालूम सच्ची नहीं मालूम अरे वो शायद कुछ लीकर विकर बनाने के लिए यूज होता है मोलासिस लीकर विकर बनाने के लिए यूज करते हैं समझ में आया क्या यस ओके सर ड्रिंक्स देखो अजय मोंडल ने बिल्कुल सही कहा है अजय मोंडल जी ने बिल्कुल 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 सही कहा है एंड यस करेक्ट अच्छा भाई ओके <laughs> सो okay. so, आगे देखिए व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन मुंजे क्या लिबरलाइजेशन मतलब जो सारे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स थे जो सारे स्ट्रिंजेंट रिफॉर्म्स थे उसको हम लोग निकालने वाले हैं जो तुम्हारे हाथ बांध दिए गए थे बिजनेस करने के लिए वो सारे रिड्यूस कर देंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे और 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 इसको हम लोग बोलेंगे कि जब तुम प्रोसेस को आसान कर रहे हो जब तुम स्ट्रिक्टनेस को निकाल रहे हो जब तुम स्ट्रिंजेंट फैसिलिटीज को निकाल रहे हो और तुम सिस्टमेटिक प्रोसेस कर रहे हो जहां पर तुम्हारे सिस्टम में रेस्ट्रिक्शंस कम है और तुम्हारे हाथ खोल दिए गए हैं तो उसको हम लोग कहेंगे लिबरलाइजेशन इट रिफर्स टू दिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इजिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट बिजनेस पहले प्राइवेट बिजनेस को बहुत तकलीफ होती थी कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए इतने सारे कंप्लायसेज में फंस जाते थे बेचारे उनको लाइसेंस जल्दी मिलता नहीं था कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते थे बिजनेस जल्दी शुरू नहीं कर सकते थे और इस चक्कर में मैं बिजनेस करूँ या कंप्लायसेस करूँ यही समझ में नहीं आता था और इस वजह से हम लोग प्राइवेट बिजनेस ज्यादा शुरू नहीं कर पाते थे लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में सोचा था नाइनटीन में जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे पहला जो मुद्दा था हमारे लिए वो था LPG का उसमें से एल फॉर लिबरलाइजेशन की तुम लोग ये को कम कर दो तभी हम लोग ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे तुम लोग ये कंप्लायंस 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 के पीछे जा रहे हो तो हम लोग ग्रोथ हमारी स्टॉप हो रही है तो यस yes गाइस यहां पर हम लोगों ने बोल दिया था कि यस इट वाज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड लाइसेंस एंड द परमिट एरा बिजनेस हैड टू ऑप्टेन द गवर्नमेंट लाइसेंस एंड द परमिशन टू स्टार्ट एंड ग्रो द बिजनेस एंड लिबरलाइजेशन इज वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में आया था 1991 में वो इंप्लीमेंटेशन हुआ था एंड द अदर टू पिलर आर प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन विच ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच ऑल्सो प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक है ये समझ में आया ओके okay. ओके okay. तो रेस्ट्रिक्शंस को हम लोगों ने हटा दिया था रेस्ट्रिक्शंस को हम लोगों ने हटा दिया था अगला 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 पॉइंट हम लोग कर रहे हैं अभी के अभी और ध्यान देना है बच्चा लोग व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिस्टिक्स अरे लॉजिस्टिक्स एक जगह से दूसरे जगह पर गुड्स को लेके जाना उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स लेकिन एग्जाम में इतने छोटे से तीन लाइन में मैं दो एमसीक्यू निकाल सकता हूं देखो देखो हा बच्चा लोग एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क देखना अभी यहां पर कैसे तुम्हें अलर्ट रहना है कैसे तुम्हें पढ़ना है उसकी मैं तुम्हें एक डेमो देता हूं इट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी इंप्लाइंग द मूवमेंट ऑफ द सप्लाईज टू द प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिस्पेक्टिव मार्केट इन बाउंड लॉजिस्टिक इम्प्लाय ट मूवमेंट ऑफ इनपुट्स आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ द आउटपुट एम सी क्यू के लिए आएगा इन बाउंड लॉजिस्टिक्स मुझे वॉट आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब वॉट कहने के लिए बहुत सिंपल लगता है जब एग्जाम में आता है ना तब गलत कर दोगे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मन इट इज जस्ट लॉजिस्टिक्स मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं इट इज मूवमेंट ऑफ इनपुट्स ओनली और यहां पर बच्चा लोग लिखते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रॉन्ग इनबाउंड इनपुट्स आउटबाउंड आउटबाउंडे आउटपुट मूवमेंट ऑफ इनपुट मूवमेंट ऑफ आउटपुट कौन इतनी बारकाई से तुम्हें इसको मार्क करवा करवा के देगा कौन तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस लेगा मैं 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 लेने वाला हूं तुम्हारी प्रैक्टिस और मैं तुम्हें समझाने वाला हूं सारे एक्सीडेंटल पॉइंट्स तुम्हें एग्जाम में यही मेरी सारे शब्द याद आएंगे और तुम लोग स्माइल करोगे एंड यू वुड बी स्माइलिंग एंड यू वुड बी लाइक की वाओ क्या पढ़ाई किया था हम लोगों ने मजा आ गया क्या पढ़ाई की थी मजा आ गया तुम लोग पेपर को कर आओगे तुम्हें गर्व महसूस होगा उस दिन तुम्हें गर्व महसूस होगा उस दिन समझा क्या बच्चा लोग यस ओके ओके तो समझ में आया है क्या ये तुम्हें बच्चा लोग बोलिए यस ओके ग्रेट वॉट डू यू मीन बाय मर्जर वेन टू और मोर कंपनीज कम टूगेदर टू इंक्रीज दियर स्ट्रेंथ एंड द फाइनेंशियल गेंस अलॉन्ग विद ब्रेकिंग द ट्रेड बैरियर इन द न्यूली क्रिएटेड एनटिटी इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए एक्विजिशन में न्यूली क्रिएटेड एंटिटी नहीं था यहां पे कंपनी ए है और कंपनी बी है और नई कंपनी बनाई है ए बी लिमिटेड तो ये न्यूली क्रिएटेड कंपनी इसको मर्जर बोलेंगे लेकिन एक्विजिशन में ए ने बी को एक्वायर किया था लेकिन नई कंपनी नहीं बनी थी ए के नाम से बिजनेस चल रहा था वो सारे बिजनेस एंड ऑपरेशन को संभाल रहा था बी के बी और ए के बी तो वो था एक्विजिशन लेकिन मर्जर में एक कंपनी है और बी कंपनी है वो दोनों कंपनी एक हो गई है जिसका नाम अभी ए बी लिमिटेड है नई कंपनी बनाई है और उस नई कंपनी से सारा ऑपरेशन हो रहा है तो उसको हम लोग मर्जर बोलेंगे उसको हम लोग मर्जर बोलेंगे समझ में आया है क्या बोलिए बच्चा लोग टेल मी तुम्हें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना सर मर्जर और एक्विजिशन में क्या फर्क है देखो हो गया हमारा कंफ्यूजन एकदम सॉर्टेड एकदम 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 सॉर्टेड तो यस इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है मिशन भी इंपॉर्टेंट है मिशन एंड विजन मिशन एंड विजन इसमें इतने सारे बच्चा लोगों को क्या होता है यस 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 इतने सारे लोगों को मिशन एंड विजन में कंफ्यूजन होता है द कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट बिजनेस स्कोप दैट आर व्हाट वी डू इज द मिशन स्टेटमेंट हु वी आर एंड व्हाट वी डू विजन मंजे होता है कि मुझे कहां पर जाना है मुझे पास मेरे पास वो ब्लू प्रिंट दिख रही है कि मुझे वहां तक पहुंचना है वो विजन हो गया ये क्या है मिशन मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटी अभी के कस्टमर करेक्ट अभी क्या चल रहा है अभी के अभी अभी के अभी अभी, अभी के अभी तुम याद रखना सिंगम वाला डायलॉग ठीक है वो हो गया मिशन वो हो गया मिशन समझ में आ गया क्या एवरीवन मिशन मतलब क्या है कि मेरे अभी के कस्टमर कौन है मिशन मतलब क्या है? मेरे अभी की कैपेबिलिटीज क्या है मिशन मतलब क्या मेरे अभी के कस्टमर क्या है अभी मैं क्या करता हूं अभी मैं कौन से प्रोडक्ट लाइन में हूं अभी के अभी मिशन मंजे प्रेजेंट बिजनेस स्कोप समझ में आया है एवरी वन अभी के अभी बोलिए अरे बोलिए विजन एक मिनट विजन को करते हैं फिर स्टॉप करेंगे डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी बचा लोग विजन को करेंगे ना क्योंकि मिशन और विजन भाई भाई है और मिशन और विजन में कंफ्यूजन होता है और हम लोग कंफ्यूजन को होने नहीं देंगे हम लोग तो कंफ्यूजन को निकालने के लिए यहां पर है ठीक है तो देखना यहां पर क्या बोला है स्ट्रैटेजिक विजन इज द रोड मैप ऑफ द कंपनी का फ्यूचर अभी के अभी नहीं अगर तुमने ये नहीं किया अभी के अभी तो तुम्हारे साथ वो होगा फ्यूचर में राइट right? अभी तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो तुम लोगों का फ्यूचर मैं नहीं बोलूंगा ठीक है ठीक है ठीक है सो कंपनीज़ फ्यूचर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक्स अबाउट द टेक्नोलॉजी द कस्टमर फोकस द ज़ोग्राफिक एंड द प्रोडक्ट मार्केट टू बी परसिव द कैपेबिलिटीज इट प्लान टू डेवलप एंड द काइंड ऑफ द कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट इट इज ट्राइंग टू क्रिएट यहां पर हुआ नहीं है इट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर तो यहां पर ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे है कि फ्यूचर में मैं कैसी कैपेसिटीज क्या बनाऊंगा फ्यूचर में मैं कहां पर जाने वाला हूँ फ्यूचर में मैं क्या करूंगा तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है मतलब विजन है ये लेकिन जो करंट की बात कर रहा है अभी के अभी के अभी के अभी, के, अभी वो मिशन है समझ में आया एवरी मजा आया एवरी बोलिए ना मजा आ गया समझ में आ गया तो बचा लोग हम लोग ना इसको एकदम 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 जल्दी से खत्म भी कर देंगे कल थोड़ा सा ही बचा है एकदम थोड़ा सा बचा है कुछ ज्यादा बचा है नहीं वैसे बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बची है हार्डली 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 सेवन एट डेफिनेशन आई गेस जो हम लोग आसानी से खत्म कर देंगे सो डोंट वरी अबाउट इट हम लोग यहां पर आज रुकेंगे बचा लोग एंड आई होप दैट यू एंजॉयड इट एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू रॉक इन एग्जाम एंड आई होप दैट कल भी तुम लोगों ने एमसीक्यू तुमको अच्छा लगा है एंड डू यू वॉन्ट मोर एमसीक्यू सेशन डू यू वॉन्ट मोर स्पष्टीकरण सीशन कल सुबह आठ बजे बताऊंगा लेकिन बचालोग जाने से पहले डोंट वरी पर आई जी सर का लेक्चर है कितने बजे नाइन फिफ्टीन को उसके बाद किसका लेक्चर है अंशुल सर का लेक्चर है निशान सर का लेक्चर है so yes, हमारे इस नए वाले चैनल को भी तुम लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए एक फ्रेशली न्यूली कंटेंट आते रहेगा उसी चैनल पर राइट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो गाइज डोन्ट फर्गेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल क्योंकि जहां पर तुम्हें हर एक लिंक मिल जाएगी हमारी सारे सब्जेक्ट्स की एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग दैट लेट मी अनाउंस द वेरी वंडरफुल थिंग टू यू दैट हमारी जो जो बैच है हमारी ये जो बैच है बचा लो कौन सी लक्ष्य लक्ष्य वाली जो बैच है ना हमारी कौन सी बैच सर रुको बताता हूं तुम्हें ये वाली बैच यस yes, मे 21 की बात शुरू हो रही है ट्वेंटी ऑफ नवंबर से ट्वेंटी ऑफ नवंबर से एंड दोज वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली गाइस द सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज नॉट जस्ट अ फाउंडेशन बैच दिस इज फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का कॉम्बो है इस सब्सक्रिप्शन में तुम लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा इफ यू अप्लाई द कोड दैट इज DAGA10 इज द कोड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन जस्ट गो फॉर इट जस्ट गो फॉर इट और डागा सर को याद कर लेना जब सब्सक्रिप्शन लोगे तब DAGA10 इज द कोड सो बाय बाय गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर एंड यस हैप्पी स्टडी स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस thank you so much bye bye and we are meeting again at tomorrow 8 a.m in the morning thank you so